सुबह के डॉट 7 बज चुके हैं और बेटा भी स्कूल निकल चुका है। देखिए सूर्य देवता भी निकल गए हैं। सुबह जो हल्की हल्की सी ठंडी सी मौसम है। ठंडी खोलने की कोशिश करो, खुलेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस के घुमाते हैं। इस तरह से कोई भी ठेले के गार्ड को लगा सकता है वेरी इजीली। बस पानी पानी लग रहा है, कुछ ज्यादा ही दे दिया था। आज थोड़ा पानी मिक्स किया लगता है। नहीं, कुछ स्टार्टिंग जो होता है ना, जो धोते रहते हैं उसका हल्का सा पानी चल जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग होता है ना। अभी वो नहीं करें, ठीक है, पानी ऐसे होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो घर की सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड अभी आयरन कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो नहाने के लिए जाएंगे। तब तक फिर मैं जो है उनके लिए लंच बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी। बस प्याज और टमाटर कट कर ली थी और ऑयल में थोड़ी सी सरसों डाली थी, प्याज ब्राउन की थी, उसके बाद मैं उसमें टमाटर ऐड कर दी थी और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और पानी डाल के बॉईल आने के बाद उसमें जो मैगी मसाले वो डाल करके और मैगी डाल दी थी। तो इस तरह से मैगी मैं बनाती हूँ तो अच्छी बनती है। तो ये वेडनेसडे की क्लिप है। वेडनेसडे को मैं बाहर भी गई थी, आगे आप लोग देखिएगा। तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद और हमारे जो काम हो गए थे, उसके बाद हम लोगों ने यही ब्रेकफास्ट में बनाया था मैगी। मैगी हम लोग ज़्यादा खाते नहीं, 3-4 महीने में एक बार ही खाते हैं। तो यहाँ मैगी भी बन गई, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो ये है चिली टमाटो सॉस। और किस किस को मैगी पसंद है कमेंट जरूर करें। बहुत तीखी है ये सॉस। ऑयल गर्म हो चुकी है, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, साबुत जीरा, और यहाँ पे प्याज और भिंडी कटी हुई है, और ये एक हरी मिर्च है। बस इसी तरह से मैं तोड़ करके डाल दूँगी। सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी। थोड़े से मसालों के साथ में बनती है ये वाली जो भिंडी की भुजिया है। थोड़े से ट्रांसलूसन हो जाए उसके, फिर मैं भिंडी ऐड कर दूँगी इसमें। और ये मैं दाल ली हूँ, अरहर दाल और मसूर दाल बना रही हूँ आज। इसे वॉश कर लेती हूँ। भिंडी जो है, प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। और इसे नमक डाल दे रही हूँ। दाल में मैं ऐड कर दे रही हूँ। Thank you.
नमक ऐड करेंगे। कितना हो चुके हैं हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ी सी ब्लैक पेपर एंड सब्जी मसाला और थोड़ी सी धनिया पाउडर बस इसे भूनेंगे। तब तक ये चावल जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये अरहर दाल ये दो डब्बे में थी, दोनों को मैं इसे रख दूँगी और दाल में इस तरह से मैं कुछ लौंग 5-6 डाल दी हूँ जिससे कि चींटियाँ ना लगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी चींटियाँ लग गई थी। ये दो डब्बे जो खाली हुए हैं एक में मैं काली चना रख दूंगी। और एक में ये साबुत मसूर तड़के और बड़े लगते अच्छे लगते हैं बनने पे। चावल को वॉश कर दी बालू जैसे करें अच्छा चलेंगे। भुंजिया हो गया है, पर तो गैस बंद करते हैं और चावल भी थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर दाल में तड़का लगा देंगे। दाल तब तक ठंडी हो रही थोड़ी सी। चावल नहीं तो दाने तो बड़े बड़े हैं पर टेस्ट में पता नहीं कैसे होंगे। तो चावल बनने के बाद टेस्ट में अच्छे थे। ये मैं अभी सैटरडे को वॉइस ओवर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं लंच पैक कर दी हूँ। चावल, दाल, भिंडी की भुंजिया, चूड़ा और अचार थे और एक एप्पल दे दी थी मैं, वो अपना लंच लेके चले जाएंगे। मुझे फ्राइडे को फास्ट करने थे तो मैं वेडनेसडे को ही नेल कट कर ली थी, क्योंकि मैं थर्सडे को सोची थी सिर्फ सर धोकर के नहा लूँगी, तो इस वजह से मैं नेल कटिंग की थी। तो नेल पॉलिश मैं यहाँ पे लगा ली हूँ क्योंकि कल हमें नहाए खाए करने हैं, तो कल बृहस्पतिवार है, नाखून तो नहीं कटेंगे, तो पैरों की भी मैं नेल कटिंग करके और ये नेल पॉलिश लगा ली हूँ और कल आलता लगाऊंगी और कल फिर नहाए खाए करेंगे। कल सिर धो सकती है बट नाखून नहीं कर सकती क्योंकि कल बिफे है। चलिए अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। अभी 12:25 हो रहे हैं, मैं जाऊँगी अभी मार्केट। तो 12:30 होने वाले हैं तो मैं जाऊँगी अभी मार्केट क्योंकि कुछ सब्जी वगैरह लेनी है, तो लेकर के आती हूँ। बहुत तेज़ धूप है, दिखाती हूँ आपको भी बैक कैमरे से। ये देखिए धूप, ये ठंड में ना बड़ी अच्छी लगती है, पूरे बेड पे हमारी आ जाती है धूप, बहुत अच्छा लगता है सोने में रजाई ओढ़ करके। चलिए मैं चली मार्केट। अभी 1 बज चुके हैं और मैं सब्जी लेकर के आ गई हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। कुछ सब्जियाँ ऊपर है तो ये सारे सामान, ये है सतपुतिया, ये है खीरा जो कि मेन प्रसाद में चढ़ती है, और ये है मरुआ काटा, कल मैं कम लाई थी तो इसलिए मैं दोबारा से लेकर के आई हूँ, और ये है केराव, इसकी जो है ना घुगनी बनती है और इसे जो है ना हम लोग निगलते हैं, जितने बेटे या बेटी होते हैं उस हिसाब से, और खीरा का बीज जो है वो भी निगलते हैं, तो देखती हूँ। और ये है ओरियो बिस्किट लेके आई हूँ और इसमें है ऊल,
उसके साथ चोखा बनाऊँ या सब्जी, और नींबू लाई हूँ इसी में डालने के लिए। और ये है तोरी इसी में पैकेट में, और ये कुछ तोरी के पत्ते हैं, इस पर हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो है। और ये है पेठा, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो ये लेकर के, तो फटाफट मैं पहले से फ्रिज में रख लेती हूँ। ये पेठे का पैकेट खुल चुका है और मैं ये पेठा टेस्ट करती हूँ। दाल चावल, भिंडी का भुंजिया और आलू का भुंजिया, और ये है आम का अचार। तो खाने में यही खाऊंगी, और यहाँ पे बेटे का भी खाना जो है लग चुका है। तो मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में, तो हमारा कुछ लुक इस तरह का है। और मैं ये शॉर्ट कुर्ता कहते हैं ये क्वार्टर में, ये पहनी हुई हूँ। और मैं भी हस्बैंड के फ्रेंड के बेटे के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, और नीचे कुछ इस तरह की ये पैजामी है। तो मैं अब निकलती हूँ बेटे के साथ, हस्बैंड रास्ते से हम लोगों को पिकअप कर लेंगे। चीज़ बॉल, ये पिज्ज़ा के टॉपिंग, ये बर्गर, ये टिक्की सिक्की है, और इसमें पिज्ज़ा है। देखो सबका बर्गर टी शर्ट को मैं नीचे कर लिया डालना। बैठो 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 उसको साइड कर दीजिए। बड़ों का भी करा ले म्यूजिकल चेयर। हम लोग गए हुए थे हस्बैंड के जो बिजनेस पार्टनर है भैया, उनके बेटे के बर्थडे में गए हुए थे। तो मेधांस का बर्थडे था वेडनेसडे को, तो डिनर वगैरह वही था। डिनर वगैरह का मैं सूट ही नहीं कर पाई, एकदम ध्यान से ही निकल गया। और घर आने में भी हम लोग को आई थिंक 11:15 हो गए थे, गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। और हमें मैं वीडियो नहीं बना पाई आगे की, बस थोड़ा बहुत है तो आप लोग देखिए आगे। मेरे अपने गिफ्ट काउंट करो, कौन कौन से गिफ्ट है। सब केक पे देख रहे हैं, हट लालची बच्चे। वन टू थ्री स्माइल। थोड़ा मेनू के पास फिगर फिगर ह्यूमन फिगर। अरे To you, happy birthday to you, happy birthday dear Meghans, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday dear Meghans, happy birthday to you. कितना
उसी को पकड़ के खिला दो। बड़ा काम खिलाया। ये देखो ये देखो इसको देखो 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 खींच रहे हैं, सब कोई खींच रहे हैं। ये सब लोग पता नहीं भैया ये कब इकट्ठा हो। ये खींच रहे हैं सब। कल्पना तुम आ जाओ बाद में कर लेना। लेटा दीजिए उसे ही नीचे उसी बोट पे लेटा दीजिए ना बोट पे। हाँ अरेस्ट करें। ये है हमारी दिल्ली। क्या दिल्ली दिल वालों की रोड का मेकअप हो गया है, बहुत सुंदर बना दिया है। हम तो पार्किंग टाइप का है, शाम को बैठ के टहल वहल सकता है, लेकिन हम लोग से तो बहुत दूर पड़ जाएगा। ये क्या बहुत दूर हो जाएगा हम लोग से। ये है कौन सा मेट्रो स्टेशन? मंजलीस पार्क मेट्रो स्टेशन। दरवाजे बाई की तरफ बाई तरफ खुलेगी। दरवाजे बाई तरफ खुलेगी, कृपया ध्यान दें दरवाजे से हटके खड़े हो। मेट्रो का लेन थोड़ी है, मेट्रो का ही सारा मेट्रो का ही है। अभी इतना सारा निकाला है, उधर देखो उधर देखो, चार पांच लाइन मेट्रो का निकाल दिया है यहाँ पे। अभी एक गोल चक्कर में घूमेंगे हम लोग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखो चक्कर लेने में हमको लगता है एक मिनट लग जाता होगा आराम से। ऐसे लग रहा शिमला हमला आ गया है। शिमला चलेगा? अरे यार रुक ना भाई। ये बना है सब्जी भाजी सब लो, कितने बढ़िया होते जाते तो कुछ लइयो लेते। कैसे नहीं जाएंगे वहां से, लेफ्ट होकर के नहीं निकलते हैं।